हमारे चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों आज हम अमरूद खाने से होने वाले फायदे के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त जीवन जीना चाहते हैं तो हरी सब्जियों के साथ साथ फलों का भी सेवन करना फायदेमंद होता है। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो फलों का आहार बिल्कुल नहीं करते। दोस्तों हरी सब्जियां और फलों का सेवन करने से कई प्रकार की बीमारियां वैसे ही दूर रहती है। आज के दौर में ज़्यादातर लोग डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, हृदय की बीमारी और न जाने कितनी ही बीमारियों से परेशान है। अगर इन सारी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आज से ही फल खाना शुरू कर दे। फलों में अमरूद एक ऐसा फल है जो अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करता है। अमरूद एक हाई एनर्जी फ्रूट है जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम पाया जाता है जो दिल और मांसपेशियों को दुरुस्त रखता है। अमरूद में पाए जाने वाले तत्व शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। दोस्तों इसे नियमित खाने से सर्दी जुकाम जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं इनके लिए अमरूद किसी वरदान से कम नहीं। इसमें मेटाबोलिज्म नाम का तत्व होता है जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर नियंत्रित करता है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अमरूद के बारे में विस्तार से। दोस्तों अब जानते हैं अमरूद के आयुर्वेदिक गुणों के बारे में। अमरूद का फल रुचि को बढ़ाता है, शुक्रवर्धक, तृणाशामक और हृदय को बल देने वाला होता है। यह पेट की कृमि मिटाता है, सर्दी का नाश करता है और खांसी तथा कफ को दूर करता है। इसके अलावा यह रक्तस्राव को रोकता है, दस्त मिटाता है तथा सर्दी और दंतशूल में फायदेमंद होता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं अमरूद खाने से होने वाले फायदे के बारे में विस्तार से। अगर आपको सुबह उठते ही सिर में दर्द रहता हो तो कच्चे अमरूद को पत्थर पर घिस ले और जहाँ दर्द होता हो उस स्थान पर लेप लगाए। अगर सुबह उठते ही ये प्रयोग करेंगे तो दर्द नहीं होगा। अगर दर्द शुरू हो गया है तो जल्दी से शांत हो जाएगा। जिन लोगों को बार बार जुकाम हो जाता हो ऐसे रोगी को एक बड़ा अमरूद बीज निकाल कर खिला दे और ऊपर से ताजा पानी रोगी को नाक बंद करके पिला ले। दोस्तों आप देखेंगे कि 2-3 दिन में ही रुका हुआ जुकाम बहकर साफ हो जाता है। 2-3 दिन के बाद अगर स्त्राव रोकना हो तो 50 ग्राम गुड़ बिना पानी पी रात्रि में खिला दे। यदि आपको सूखी खांसी रहती हो, कफ न निकलता हो तो ऐसे में सुबह उठकर एक ताजे अमरूद को तोड़कर चबा चबा कर खा ले। 2-3 दिन लगातार अमरूद खाने से खांसी और कफ दूर हो जाएगा। दोस्तों मीठे अमरूद को खाने से खांसी मिटती है और खांसी के अलावा अधिक मात्रा में बलगम निकल रहा हो तो वो भी दूर हो जाता है। दोस्तों पके हुए अमरूद खाने से बुखार ठीक होता है और कब्ज मिटता है। दोस्तों अमरूद का एक और प्रयोग है, अगर आप कच्चे अमरूद को भूनकर खाते हैं तो दस्त मिट जाता है। दोस्तों ये पेट की कई प्रकार की बीमारियों को दूर करता है। इसके लिए सुबह के नाश्ते में अमरूद को काटकर काला नमक, अदरक और काली मिर्च इन सब को मिलाकर अमरूद को खाए। इससे अजीर्ण मिटता है, खट्टी डकारे दूर होती है और पेट फूलना बंद होता है। इसके अलावा पुराना से पुराना कब्ज दूर होता है, भूख बहुत बढ़ती है और दस्त मिट जाता है। दोस्तों अमरूद खाने से मलेरिया भी ठीक होता है। दोस्तों अगर शरीर में पित्त बढ़ गया हो तो अमरूद के बीज निकाले और इसे पीसकर गुलाब जल तथा मिश्र के साथ मिलाकर पी जाए। इससे बटा हुआ पित्त तुरंत शांत हो जाता है और शरीर की गर्मी दूर होती है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।